आज कल हम देख लिया था इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम, आज हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब ट्रांसफॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स में एक चीज सिंपल है कि हमें जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो एक लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, ताकि एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में हम जब स्टडी करें तो हमारे जो लॉज ऑफ मोशंस हैं, जो फोर्स पे डिपेंडेंट हैं न्यूटन के, वो चेंज नहीं होने चाहिए। तब तक ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है सक्सेस है, अदरवाइज ये सक्सेस नहीं है। लेट सपोज कि हमारे पास दो फ्रेम हैं जिनमें हमें किसी भी मैटर या किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन का स्टडी करना है। तो लेट हमारे पास, मैंने कल ही आपको बता दिया था कि नॉन इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं, और नॉन इनर्शियल फ्रेम की क्वालिटी क्या होती है, और कोई भी जो पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट इन मोशन कब होता है। लेट देयर आर टू रेफरेंस फ्रेम्स एस एंड एस डेस, एंड दिस इज द पॉइंट पी। Which is coordinate related to y, s dash is x dash, y dash, and z dash, and related to s frame is x, y, and z. Okay. अब अगेन यदि अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों फ्रेमों में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, तभी तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन उस फ्रेम में होगा। तो हमने इसको, इसके ओरिजिन को, इसके ओरिजिन के सापेक्ष एक फिक्स वैल्यू दे दी R0। ये जो R वेक्टर एंड दिस इज R डैश, वेयर R वेक्टर इज पोजिशन वेक्टर in the respect of, with the respect of S frame, ठीक। Again, R dash vector is position vector in S dash frame, and R zero vector is पोजिशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन ऑफ एच डी फ्रेम। एच डी फ्रेम का जो ओरिजिन है ओ डैश, उसका ओके रेस्पॉन्स में जो पोजिशन वेक्टर है वो आर जीरो है। एक्स वाई एंड जेड, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश। अब हमारे पास जो हमने कल बात की थी उसे तीन कंडीशंस बनती है ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। हमारे पास तीन अलग अलग कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि ये दोनों फ्रेम एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर है, आर जीरो में कोई चेंज नहीं हो रहा। फर्स्ट आर जीरो नॉट चेंजेबल। सेकेंड, इस आर जीरो में टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, इसकी ये खुद एक वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। एस फ्रेम के सापेक्ष एस डैश फ्रेम एक निश्चित वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, निश्चित डायरेक्शन में। किसी भी एक डायरेक्शन को हम ले लेते हैं, ऐसा है तो आर जीरो इज चेंजेबल जीरो चेंजेबल है। तो इसमें हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, एक व्हेन आर जीरो ओ डैश एंड ओ आर करेस्पॉन्डिंग एट टाइम टी, एट
पी इक्वल टू जीरो आर जीरो वेक्टर इस जीरो वेक्टर, ये दोनों पॉइंट यहां पे होंगे, ठीक है, दोनों पॉइंट कंजुगेट होंगे, दो सारी एक्सिस जो है वो कंजुगेट होंगी, ओके, एक्स डैश एक्स से कंजुगेट होगी, वाई डैश वाई से कंजुगेट होगी, एक्स जेड डैश जेड से कंजुगेट होगी, सब एक साथ होंगे। सेकंड जो कंडीशन बनती है इसमें एट टी इक्वल टू जीरो आर जीरो वेक्टर इज नॉट जीरो वेक्टर, ये किसी एक कंडीशन पे होंगे, उसके बाद में आगे स्टडी करनी, जैसे ये यहां पे था, अब यहां से हमने स्टार्ट किया था, ये डिफरेंस हमारे पास रहने वाली है, इसके बाद में ये कुछ समय पश्चात या कुछ टाइम के बाद में ये आगे बढ़ता चला जाता है, तो ऐसे हमारे पास एक दो और तीन कंडीशन, ठीक है। हमें इसकी बात करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें न्यूटन के लॉ फॉलो होना चाहिए, और न्यूटन्स के सारे लॉ जो हैं वो किस पे डिपेंड है, न्यूटन्स के लॉ डिपेंड होते हैं हमारे फोर्स पे, और फोर्स क्या कहती है, फोर्स ये कहती है कि ये जो फ्रेम्स हैं इनमें फोर्स इक्वल होगी, किसी भी पार्टिकल फोर्स इक्वल होगी, फोर्स इक्वल होगी तो ऑब्वियसली बात है एक्सेलरेशन इक्वल होगा, एक्सेलरेशन इक्वल होगा तो उनका वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए, वेलोसिटी में रिलेशन होना चाहिए, लीनियर रिलेशन होना चाहिए, वेलोसिटी में रिलेशन लीनियर रिलेशन है तो ठीक है, यदि अगर नहीं हो तो उसमें कुछ जो डिस्प्लेसमेंट है उसमें भी लीनियर रिलेशन होना चाहिए। तो हमारे पास सबसे पहले इसमें इक्वेशन आती है कि देखते हैं, हम फर्स्ट हमने क्या लाया था, फर्स्ट हमने लिया था आर जीरो नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होता, तो पोजिशन वेक्टर देन हम देखते हैं कि आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर इक्वल टू बाय वेक्टर मैथमेटिक्स आर जीरो वेक्टर प्लस आर डैश वेक्टर, आर जीरो वेक्टर प्लस आर डैश वेक्टर, इक्वेशन नंबर वन। हमें कहां तक पहुंचना है, दोनों में फोर्स इक्वल होनी चाहिए, फोर्स इक्वल होने के लिए एक्सेलरेशन इक्वल होना चाहिए, एक्सेलरेशन इक्वल होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालेंगे और वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन निकालेंगे, यहां यदि अगर फर्स्ट टर्म ही हमारे वेलोसिटी इक्वल आ जाती है तो एक्सेलरेशन अपने आप इक्वल होगा, इन सम कंडीशंस फर्स्ट टर्म में हमारे वेलोसिटी इक्वल नहीं आ पाती तो उसका आगे डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्योंकि हमें जो काम है ना वो किससे है, ए वेक्टर से, एक्सेलरेशन से हमें काम है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें ये बात नोट रखनी है कि हमें जो ध्यान रखना है वो एक्सेलरेशन का रखना है, या जो कहूं कि फोर्स का रखना है, तो फोर्स में एम तो अनचेंजेबल है, तो हमारे पास चेंजेबल क्या है, ए वेक्टर, तो आना घूम फिर के हमें कहां है, एक्सेलरेशन के पास में, अब एक्सेलरेशन के पास में आना है, देखते हैं, अब मोशन कर रहा है पी पार्टिकल, पी जो पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है, मोशन करते करते अपने स्थान से अपनी जगह से डिस्प्लेस होता जा रहा है, बट ये तो डिस्प्लेस नहीं है, यदि कोई डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसमें और इसमें होगा, इसमें और इसमें होगा तो इसका डिफ्लेक्शन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के अकॉर्डिंग होगा, देन डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू डी आर जीरो वेक्टर अपॉन डी टी प्लस डी आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी, बट वी नो दैट आर जीरो इज नॉट चेंज और कॉन्स्टेंट वैल्यू, नॉट चेंज का मतलब कॉन्स्टेंट ही तो होता है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है कि ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई, ये डिराइव हो जाएगा जीरो, देन हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो बनती है डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू डी आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी, इसका मतलब इस फ्रेम में जो वेलोसिटी है, एस फ्रेम की जो वेलोसिटी है वो एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी के इक्वल होगी, अब जब वेलोसिटी इक्वल होगी तो एक्सेलरेशन भी इक्वल होगा, एक्सेलरेशन इक्वल होगा तो फोर्सेस भी इक्वल होगी, ठीक है, तो यदि अगर ऐसा फ्रेम हो तो हमारे वेलोसिटी पे कोई चेंज पड़ने वाला नहीं है। सेकंड कंडीशन में हम चलते हैं, सेकंड कंडीशन हम देखते हैं कि
कि आर इज आर जीरो इज चेंजेबल अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। यहां देखते हैं आर जीरो सेकेंड, आर जीरो इज चेंजेबल विद टाइम। अब भाई इसमें हमारे पास दो कंडीशंस बन रही हैं, कौन कौन सी बन रही हैं? कैन यू टेल मी एनीबॉडी? एक एस डैश फ्रेम, एक निश्चित वेग से गतिशील है। एस डैश फ्रेम मोशंस विथ ए फिक्स्ड वेलोसिटी, ठीक है। अब फिक्स वेलोसिटी से मोशन तो कर रहा है, फिक्स वेलोसिटी से मोशन करना है तो वी जीरो इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखते हैं हम आर जीरो हमारे पास क्या आता है, आर जीरो आता है वी जीरो इंटू टी। भाई ये टी टाइम में कितनी दूरी कितनी डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, इसकी वेलोसिटी v0 है, वेयर v0 इज वेलोसिटी ऑफ फ्रेम एस डैश विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम, एस फ्रेम के सापेक्ष एस फ्रेम के सापेक्ष एस डैश फ्रेम की जो वेलोसिटी फ्रेम वेलोसिटी नॉट पार्टिकल वेलोसिटी हम बात कर रहे हैं अभी फ्रेम वेलोसिटी, फ्रेम वेलोसिटी जो है वो कितनी है वी जीरो। तो वी जीरो है तो टी समय में जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी आर जीरो इक्वल टू वी टी वाली क्वेश्चन आ गई, इक्वेशन नंबर वन। अब वापस चलते हैं उसमें हमारे पास बाय वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन क्या बोलता है आर वेक्टर इक्वल टू आर जीरो वेक्टर प्लस आर डैश वेक्टर, क्वेश्चन नंबर टू पुट कर दें आर वेक्टर इक्वल टू वी जीरो टी प्लस आर डैश वेक्टर, क्वेश्चन नंबर थ्री मोशन निकाल लिया हम डिफरेंशिएट कर दें डी आर अपॉन डी टी वेक्टर इक्वल टू वी जीरो, कैसे आया वी जीरो देख लेते हैं अपन। देखिए वी जीरो टी का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास तो आएगा डी वी जीरो इंटू टी और प्लस आएगा वी जीरो इंटू डी टी, तो v0 जीरो इंटू डी टी अपॉन डी टी अपॉन डी टी डी अपॉन डी टी, तो ये जो वैल्यू है कॉन्स्टेंट है v0 जीरो कॉन्स्टेंट है, v0 जीरो कॉन्स्टेंट है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जानी है जीरो हो जानी है, उसका काम खत्म। हमारे पास क्या बचा ये डी टी इंटू डी टी क्या बचा v0 जीरो अगेन प्लस डी आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी, इक्वेशन नंबर फोर, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से होनी तो नहीं चाहिए बिकॉज हमने जो भी किया है नॉर्मल और इजी इजी कंडीशंस में किया है, कॉम्प्लिकेशंस यहां कुछ भी नहीं है। अगेन देखते हैं हम लोग आगे यहां से हमने उठाया v वेक्टर इक्वल टू v जीरो वेक्टर सॉरी प्लस v डैश वेक्टर,
भाई हमारे पास बताओ एसेलरेशन इक्वल आएगा या नहीं, एसेलरेशन इक्वल आने वाला है या नहीं? वी वेक्टर, वी जीरो वेक्टर, और वी डैश वेक्टर, वी जीरो वेक्टर कांस्टेंट है तो एसेलरेशन इक्वल आएगा। अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू dv वेक्टर बाय dt इक्वल टू dv जीरो वेक्टर बाय dt प्लस dv वन dv डैश बाय dt। आगे देखते हैं हम लोग, हमारे पास क्या बच रहा है अब? ये जीरो हो जाएगा ना, कांस्टेंट है ना, जीरो होगा कि नहीं होगा? जीरो होगा तो ये तो हट गया हमारे पास। हमारे पास क्या आएगा? एसेलरेशन इक्वल टू एसेलरेशन, ये एसेलरेशन है एस फ्रेम में, ये एसेलरेशन है एस डैश फ्रेम में, तो बताओ फोर्स इक्वल होगी या नहीं होगी? फोर्स इक्वल होगी तो जो न्यूटन के नियम हैं, न्यूटन के लॉज हैं, दोनों फ्रेम में वैलिड होंगे या नहीं होंगे? अब दोनों फ्रेम में नहीं, न्यूटन के लॉज वैलिड हैं, तो इसका मतलब सारी टेंशन खत्म, सारी टेंशन। ये फर्स्ट कंडीशन थी, इसकी एक और कंडीशन हमारे पास बनती है। मैं शॉर्ट में और पैरामीटर करवाने की मूड में हूँ, इन शॉर्ट फटाफट समझ लीजिए कि कैसे होगा। नोट्स वगैरह यहाँ नहीं मिलेंगे, नोट्स वगैरह के लिए आपको मुझसे कांटेक्ट पर्सनली करना पड़ेगा। इसमें फ्रेम में थोड़ा सा चेंज आता है, फ्रेम में थोड़ा सा चेंज क्या आता है देखिए आपको बताते हैं। इसको मैं दोबारा प्लॉट कर देता हूं इस फिगर को। फ्रेम में चेंज ये आया, हमारे पास ये फ्रेम था जेड एक्सिस, हमने अब नहीं बनाने वाले, ये फ्रेम था और ये फ्रेम एस डी जो फ्रेम है वो इसके सापेक्ष आर जीरो था पहले, यहां था पहले वाले में दोनों कंजुगेट थे, दोनों के ओरिजिन ओ एंड ओ डैश कंजुगेट थे, इससे जस्ट जो पहले किया था। इसमें क्या हुआ, ये इसका सेकंड पार्ट है, इसका फर्स्ट वाला पार्ट हमने अभी भी किया है ए वाला, ये इसका सेकंड वाला पार्ट है बी जिसको हमने डाउन डाला था। अगेन यहां से ये चलना स्टार्ट होता है और ये पहुंचता है कहां पे? ये पहुंचता है यहां पे, ये क्या हो गया वी जीरो टी वेक्टर। दो सदिश मिल गए ना, एक सदिश दो सदिश। अगेन यहां पे कोई पार्टिकल है पी, उसके जो भी कोऑर्डिनेट है इसका, इसके रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो आर डैश वेक्टर है और इसके रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो आर। ठीक, आगे ना सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर इक्वल टू आर जीरो वेक्टर प्लस वी जीरो वेक्टर टी प्लस आर डैश वेक्टर। सही है, इक्वेशन नंबर वन। क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी डी आर वेक्टर बाय डी टी इक्वल टू डी आर जीरो वेक्टर बाई डी टी प्लस वी जीरो बच गया, प्रोसेस से सेम प्रोसेस डी आर डैश वेक्टर बाई डी टी, ये टर्म भी क्या हो जाएगी जीरो क्योंकि आर जीरो ये पहले कॉन्स्टेंट था, फिक्स है ये जीरो है। हमारे पास क्या बचा, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू वी जीरो प्लस डी आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी, अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगेन क्या है हमारे पास, डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो प्लस डी स्क्वायर आर डैश वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी ए वेक्टर इक्वल टू ए डैश वेक्टर। ये तीनों टॉपिक मैंने शॉर्टली और
जल्दी जल्दी फटाफट मैंने कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम जो भी क्लास देखेंगे वो होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमें क्या देखना है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन देखा। अब कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जे कैप, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड कैप इक्वल टू ए डैश आई प्लस सॉन, जो भी है ये हमारे पास इक्वेशन मिल गई। ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नोट्स के लिए बराबर कॉन्टेक्ट में है, यहाँ नहीं मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।